सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की, जो कि अब भारत आ चुके हैं। लंदन में उन्होंने जो टिप्पणी की थी, बयान दिया था, उसको लेकर यहां पर काफी बवाल हुआ था। और ये वो तस्वीरें हैं कुछ वक्त पहले की, जब राहुल गांधी संसद भवन पहुंचे। एनडीटीवी से उन्होंने कहा कि कोई भी भारत विरोधी बयान उन्होंने नहीं दिया। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। संसद के बजट सत्र में भी बीजेपी लगातार राहुल गांधी की माफी की मांग पर अड़ी है। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या वो बीजेपी के इस आरोप का जवाब देंगे कि उन्होंने विदेशी धरती पर देश का अपमान किया, राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया, सुनते हैं। Sir, Rahul sir, do you want to say something, sir? Government is demanding for your apology, sir. Yeah, if they allow me to speak in Parliament, then I will say what I think. Okay, sir. Thank you very much, sir. उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहां पर। उमा, एनडीटीवी से बात करते हुए राहुल गांधी ये बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दिया जाएगा तो जरूर वो बोलेंगे अपनी बात। 2 बजे का वो वक्त है, माना जा रहा है कार्यवाही क्या शुरू हो सकती है। पूरा ये विवाद कैसे हुआ, क्यों इतना हंगामा हो रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, जया, राहुल गांधी पिछले दिनों यूके के दौरे पर थे और उन्होंने कई भाषण दिए। उन भाषणों में उन्होंने कई ऐसी बातें की जो उन्होंने यहां पे महसूस किया है या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उन बातों को रखती रही है। राहुल गांधी ने एक अहम बात ये कही कि वहां पर जब वो बोलते हैं सदन के भीतर तो माइक बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये बात भी कही कि पश्चिमी देश और अमेरिका जो कि पुरोधा है लोकतंत्र के, वो भारत में जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थानों पर या लोकतंत्र हमला हो रहा है उस मामले में बेपरवाह हैं, कुछ नहीं बोल रहे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह के मुद्दे विपक्ष उठाना चाहता है बीजेपी उठाने नहीं देती। तो इन तमाम बातों को लेकर बीजेपी ने हमला किया है राहुल गांधी पर कि विदेशी धरती पर उन्होंने भारत को बदनाम किया है, भारत के लोकतंत्र को लेकर उन्होंने गलत बातें की है। और यह बात क्योंकि एक मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह ने भी सदन के भीतर उठाया, बीजेपी लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है, तो अब राहुल गांधी ने भी एक राजनीतिक दांव जो है वो चल दिया है। और उन्होंने ये कहा है, जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों को सुनाया, कि अगर सदन के भीतर उनको बोलने का मौका दिया गया तो वो अपनी बात रखेंगे। जाहिर सी बात है कि जब सदन के भीतर उन पर आरोप लगाए गए हैं तो वो भी चाहते हैं कि सदन के भीतर वो अपनी बात कहें, या तो उनको सदन के भीतर बोलने दिया जाएगा या नहीं बोलने दिया जाएगा। दोनों ही सूरत हाल में राहुल गांधी अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सदन के भीतर जो बात जाएगी ऑन रिकॉर्ड जाएगी, अगर उनको नहीं बोलने दिया जाता तो फिर से ये कहेंगे कि देखिए यही बात तो मैं कह रहा था कि सदन के भीतर बोलने नहीं दिया जाता। और आखिरकार जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार राहुल गांधी के बयानों के बचाव में अपनी बात, अपना तर्क जो है वो लगातार रख रही है, और साथ ही वो बीजेपी के नेताओं के और खुद प्रधानमंत्री मोदी के बयानों के पुराने टुकड़ों को निकालकर ये जताने की कोशिश कर रही है कि इस तरह की बातें जो है या जो आलोचनात्मक सरकार की आलोचना की जो बातें हैं वो बीजेपी के नेता भी करते रहे हैं। तो अब ये पूरा मामला जो है वो एक लॉग जाम की स्थिति ले चुका है संसद के भीतर, जिस तरह से बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। कांग्रेस अपनी तरफ से साफ कर चुकी है कि राहुल गांधी के माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। और यहां पर इस वक्त खबर यह भी आ रही है, थोड़ी देर में राहुल गांधी मीडिया से बात करेंगे, कांग्रेस मुख्यालय में बात करेंगे। देखना होगा कि संसद अगर चलती है तो वहां पर वो बात अपनी रख पाते हैं नहीं, लेकिन यह साफ है कि थोड़ी देर में राहुल गांधी मीडिया को संबोधित करेंगे। उमा, यहां पर यह भी बताएं कि राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं तो उसको लेकर काफी चर्चा हो जाती है। भारत जोड़ो यात्रा में वो तमाम बातें उन्होंने कही जो कि विदेश में जाके उन्होंने कही, उससे इतर कुछ ज्यादा अलग नहीं कहा। वो तमाम आरोप आरएसएस को लेकर और तमाम सत्ताधारी पार्टी को लेकर आलोचनात्मक रहे हैं, वही बातें विदेश में कही। एक जो बात उससे अलग है, जिसका कि जिक्र आपने भी किया, कि यूरोपीय कंट्री हो चाहे अमेरिका हो, भारत में लोकतंत्र जिस तरह से कमजोर हो रहा है उस पर बेपरवाह रहा, इसको क्या बीजेपी ने टिल्ट करने की कोशिश की? क्योंकि कांग्रेस के हमने अध्यक्ष को सुना, वो कह रहे हैं कि ये बात उन्होंने कही नहीं थी, उसको बदनाम करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बातें कही गई हैं, इस पर क्या स्पष्टीकरण?
जी देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी तरफ से यही स्पष्टीकरण दे रही है कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जिससे भारत की बदनामी हो या भारत के लोकतंत्र को लेकर कोई सवाल उठाया जाए। विपक्षी पार्टी के तौर पे कांग्रेस पार्टी लगातार ये बातें करती रही है। राहुल गांधी जब अपने विदेशी दौरे पर थे तो चाहे वो भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हों या वहां पर जो एक बार प्रेस को भी संबोधित किया, तो उन्होंने अपनी तरफ से जो बातें की, अब बीजेपी ने उन बातों को तूल देना शुरू कर दिया है और काफी ज्यादा तूल दिया है और एक कोशिश है कि राहुल गांधी को इस मुद्दे पर एक बैकफुट पे ढकेला जाए और इसलिए लगातार माफी की उनसे मांग की जा रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया कि माफी वो नहीं मांगेंगे, लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जो जैसा कि आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी का कोई भी बयान होता है तो बीजेपी जो है उसको तूल देने की कोशिश करती है। तो ये देखने में ऐसा ही आता है जैसे कि 2012-11 के आसपास कांग्रेस पार्टी ये तय करके बैठी थी कि उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनके बयानों को ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, लेकिन जब कोई बयान आता था तो कांग्रेस पार्टी के 4-5 जो मंत्री हैं वो उस पर प्रतिक्रिया देने सामने आ जाते थे। तो वैसा ही देखने को अब भी मिल रहा है, जब बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी को इग्नोर किया जाए और राहुल गांधी जब कोई बयान देते हैं तो उसके बाद एक कड़ी प्रतिक्रिया भी बीजेपी की तरफ से आती है और ऊंचे बैठे पदों पर लोगों की तरफ से आती है। तो बीजेपी लगातार हमलावर इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी ज्यादा मुखर रहे हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने काफी जमकर हमला साधा। जी उमा, यहाँ खबर ये भी आ गई, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का जो इंतजार कर रहे थे वो कल तक के लिए स्थगित हो गई है। दोनों ही सदन यानी कि वहां पे हंगामा हुआ है और वो कल तक के लिए स्थगित हो गए हैं।